Subscribe now for all the latest and trending updates. बिग बॉस 14 कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है और इसके कंटेस्टेंट्स अपने पास्ट से जुड़ी चीज़ों को लेकर अभी से ही विवादों में घिरना शुरू हो गए हैं। ऐसे में हम आपको आज बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट और टीवी सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के स्टार निशांत मलकानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। बता दें कि बिग बॉस के घर में कैद होने से पहले निशांत मलकानी ने अपने टीवी शो को अलविदा कह दिया था। सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में निशांत मलकानी अक्षत जिंदल का किरदार निभाते थे। फैंस निशांत मलकानी को बिग बॉस के घर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। बता दें कि निशांत मलकानी ने वेब सीरीज रागिनी एमएमएस रिटर्न्स की शूटिंग के दौरान अपनी को स्टार रिया सेन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जी हां, साल 2017 में निशांत मलकानी ने दावा किया था कि रिया शूटिंग के दौरान उनके साथ गलत व्यवहार करती थी। निशांत मलकानी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। लोग रिया सेन को खरी खोटी सुनाने लगे थे। इस घटना के कुछ समय बाद ही निशांत मलकानी अपने बयान से पलट गए और उन्होंने अपने पुराने दावों को झूठ बता दिया। बता दें कि बीते कुछ समय से दावा किया जा रहा है कि निशांत मलकानी सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा की को स्टार कनिका मान को डेट कर रहे हैं। इन दोनों सितारों को अक्सर ही एक साथ समय बिताते हुए देखा जा चुका है। इससे पहले गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा स्टार ने टीवी अदाकारा सारा खान को भी डेट किया था, लेकिन जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। वैसे सारा खान भी बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं। सारा खान ने बिग बॉस के घर में शादी भी रचाई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि निशांत मलकानी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते। शायद ये भी एक वजह है जिसको लेकर निशांत मलकानी ने आज तक भी अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में हो सकता है कि बिग बॉस 14 के घर में फैंस को निशांत मलकानी की जिंदगी को करीब से समझने का मौका मिले। एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा स्टार्स निशांत मलकानी ने जमकर मॉडलिंग भी की है। मॉडलिंग के दौरान निशांत मलकानी को टीवी की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला था। बता दें कि टीवी के अलावा निशांत मलकानी ने बॉलीवुड की फिल्म और वेब सीरीज में भी काम किया है। साल 2013 में आई फिल्म हॉरर स्टोरी में निशांत मलकानी को काम करने का मौका मिला था, जिसके बाद निशांत मलकानी ने वेब सीरीज रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में भी काम किया था। इस वेब शो में निशांत मलकानी के साथ रिया सेन स्क्रीन शेयर करती नजर आई थी। खैर दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंट्रेंड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।